राम। आप सबको पता है ना कि मेरे पति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, जानते हैं सब। मेरी उनसे 1994 में शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था। उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे, बहुत ही साधारण परिवार। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश, पढ़ाई, सब कुछ हिसार में हुआ। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि इस साधारण परिवार का लड़का 20 साल बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है, कई बार सोचती भी हूं कि जरूर भगवान उनके जरिए कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वरना सिवानी गांव में पैदा हुआ, साधारण से परिवार में पला हुआ एक लड़का जाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं। उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो कई पार्टियां और इतनी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज अरविंद जी को उनके कामों की वजह से देश और दुनिया में लोग जानते हैं। दिल्ली और पंजाब में उन्होंने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि वहां पर इतनी अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा मिलती है, गरीबों का भविष्य उज्जवल हो गया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां अच्छा इलाज हो रहा है। अब बिजली फ्री कर दी, पहले खूब लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। महिलाओं को बस में फ्री सफर कर दिया अब, और बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। अब हर महीने हर महिला को, माताओं को, बहनों को हजार हजार रुपया मिलेंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके केजरीवाल ने, आपके लाल ने। मैं आप लोगों से पूछती हूं, क्या कोई ऐसी और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? बताइए, कोई सरकारी स्कूल अच्छे किए किसी पार्टी ने आज तक? किसी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, सरकारी अस्पताल अच्छे किए हो? किसी ने बिजली फ्री की हो? ऐसे सब काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते। हरियाणा में 10 साल से सरकार है, हुए हैं ये सब काम? मोदी जी ने एक फर्जी केस में उनके ये सब काम रोकने के लिए उनको जबरन जेल में डाला हुआ है। वो कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं, अगर केजरीवाल चोर है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने आपके अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, हरियाणा के बेटे, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि जाओ, मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, जो करना है वो कर लो।
मैं हरियाणा की बहू हूं, आपसे पूछती हूं, क्या ये आप अपमान बर्दाश्त करेंगे? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी गुजरात से हैं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने पूरे गुजरात ने उनका साथ दिया, सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे ने, केजरीवाल ने पूरे हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। आप उनका साथ नहीं देंगे? देंगे। आपके आपके सढौरा में सरकारी कॉलेज नहीं है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं है ना, अब बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? सरकारी अस्पतालों की इतनी जर्जर हालत है, इतनी बेकार हालत है, कैसे इलाज करवाए कोई उसमें? और शायद किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते, चाहे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया हो। खनन इतनी सारी बन गई है, अवैध खनन हो रही है। बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं, जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं उस पर जीएसटी लगता है, जानते हैं देते हैं जीएसटी? सब लोग टैक्स देते हैं, अब तो आटे पर भी टैक्स लगता है। तो आपका ये अधिकार है कि सरकार आपको ये सब सुविधाएं मुहैया करवाए, सरकार ये सब सुविधाएं दे, अच्छे स्कूल, अच्छा शिक्षा, अच्छी अस्पताल, अच्छा इलाज, बिजली, पानी, ये सब। लेकिन नहीं देती भी है भाजपा सरकार। अब 3 महीने में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी को एक सीट नहीं जानी चाहिए, एक सीट नहीं जानी चाहिए, मंजूर है? आपको अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। मानते हैं सब? आपके लाल ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं, और वो गारंटीज पूरी भी करते हैं, दिल्ली पंजाब में हो रही हैं। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, यहां भी पावर कट नहीं लगेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे, जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। दिल्ली में हो रहा है ऐसा, पंजाब में हो रहा है ऐसा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाएगा, जिससे शिक्षा अच्छी और फ्री हो। चौथी गारंटी, हर माता बहनों को, हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपया मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्द ही लागू होने जा रही है, और हर युवा को, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबके विकास और खुशहाली के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है आपके बेटे ने। दिल्ली को बदला है, पंजाब को बदला है, अब आप सबको अपने घर को उनको बदलने की जिम्मेवारी देनी है। देंगे साहब?